फिर हम लोगों ने शुरू करी आइसक्रीम खाना, क्योंकि हो रही है बहुत गर्मी। मम्मी है आरिस, हेलो, गर्मी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से। और फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और बच्चों की है छुट्टी स्कूल की। स्कूल खुल चुके थे 1 जुलाई से, तो पूरा वीक बच्चे स्कूल गए। आज सैटरडे उनका ऑफ है, तो बस प्लान बन गया हमारा कहीं बाहर जाने का फारूक के साथ। फारूक मुझे पिछले हफ्ते से कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा गर्मी है। आज थोड़ा सा मौसम दिल्ली में फिर भी थोड़ा ठीक है, बाहर हवा चल रही है। तो बस 4 बज रहे हैं और हम लोग निकलते हैं। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो बस अभी चलते हैं, जहाँ जाएंगे जो भी करेंगे सब तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे वहीं पर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, फारूक के साथ हम लोग निकल गए। मम्मी देखे पीछे, आज मम्मी से कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बकरीद के आदम, हाँ बकरीद के आदम मिले। हमजा, आरिस, आरिस हेलो, हाउ आर यू? तो बस फ्रेंड्स लोग निकल गए हैं, अब जा रहे हैं। फारूक अभी तक घुमा रहे हैं इधर उधर, कहाँ लेके जा रहे हैं कुछ पता नहीं। भाई इन्होंने मुझे घुमा रखा, यहाँ ले लो, वहाँ चलते हैं, यहाँ घूमते हैं, और आखिर में कभी कभी धूप आ रही है, कभी हवा चल रही है। अगर धूप है तो गर्मी होगी बहुत ज्यादा। एक घंटे में सड़क पर घुमा देता हूँ, फिर फाइनली तय हो जाएगा कहाँ जाना है। तो बस चलते हैं अभी। सबसे पहले कार से उतर के हम लोगों ने शुरू करी आइसक्रीम खाना, क्योंकि हो रही है बहुत गर्मी। मम्मी है आरिस, हेलो, गर्मी लग रही है। ये मेरी आइसक्रीम। फ्रेंड्स ये आए हैं आज हम हुमायूं टॉम्ब, और ये इसके एंट्रेंस है, और ये यहाँ पे है टिकट्स। आप यहाँ लेंगे, लाइन यहाँ पे लगती है, टिकट घर ये है। फाइनली एंटर हो गए अंदर हुमायूं टॉम्ब में, उतार दिए फिर फैला दिए। फारूक भाई ने कोई तरह गर्म कपड़े पहना दिया आज, गलती से नहीं, उनको लगा मैं जान पूछ के बरसात की वजह से। हाँ कपड़े इसके सब रखे हैं बैग में वहाँ। हाँ अब इसको पहना देना वहाँ पे। हाँ और ये मेरी प्यारी सुंदर माँ खड़ी हुई है, हवा थोड़ी चलनी शुरू हुई है। फारूक आज फारूक को हमने पागल कर दिया, यहाँ लो वहाँ लो, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। भाई मैंने सोचा गर्मी ज्यादा हो रही, धूप हो गई, फारूक जैसे ही निकले मैं फारूक अब मॉल चलते हैं, एसी होगा। इतना मजा आ रहा था खेल करने में, जैसे ही कहती थी मॉल वो बादल कर देते थे, फिर जब कहती थी चलो सुंदर नदी साइड धूप कर देते थे। मैं आखिर में कहा हम नहीं खेल रहे, अब खेल बहुत हो गया। तो फाइनली आए, हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। आज बच्चों को हुमायूं टॉम्ब दिखा देते हैं, और उसके बाद बहुत दिनों से इनका वो होता रहता था, हमने देखा नहीं। सुंदर नर्सरी के बिल्कुल सामने ही है, अपोजिट एकदम। तो आज हम अंदर जाके देखते हैं। ये अब्बा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एज यूज़। तो ये सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर, इसको मैं दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए हुमायूं टॉम्ब का ये इस तरह का एरिया है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी। थोड़ा मौसम भी अब ठीक हो गया इस टाइम। और ये एंट्रेंस, ये मकबरा है ईसा खान का, तो यहाँ जाके देखते हैं अंदर। ये हिस्ट्री ये देखो, ये घूमती फिरती है कभी शिमला कभी जिम कॉर्बेट। हाँ कहाँ जा रहे हो? अब क्या करूँ, मैं नहीं रुक रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो भाई, शेर होता टाइगर, बस अब टाइगर के सपने देख ले, छोड़ दो। यहाँ भी जाके देख के आते हैं, मुझे याद ही नहीं रहा यहाँ मैं बहुत पहले आई थी कि क्या क्या है अंदर। यहाँ भी देख के आते हैं। हाँ ये देखो, हमजा को वो आरिस को भी फोटोग्राफ खिंचवाना था, तो उनके साथ पहुँच गए दोनों के। स्टे देयर, गुड जॉब, बोलो फारूक कैसे बात है? आरिस, हमजी, आरिस कैन यू क्लैप? आरिस कैन यू क्लैप? ये ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है ईसा का मकबरा, ईसा मकबरा। और यहाँ पे अब बस ये इस तरह बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं यहाँ आई थी, मैं भूल गई। आरिस देखो अब नहीं है, मस्ती चल रही है। और ये सब जो है पार्ट पूरा ये हुमायूं टॉम्ब का ही है पूरा।
जी हम आ रहे हैं उधर बाहर से, वहाँ बाहर से हम आ रहे हैं और आरिस को लगने लगी गर्मी। फारूक आरिस को टी शर्ट ही पहना के लाए, शर्ट पहना के लाए। तो ये देखो गामा पहलवान माशाल्लाह गामा पहलवान, हमारे गामा पहलवान। मजा आ गया अब देखो अब कुछ हो रहा है। चलो वहाँ कार से इसकी टी शर्ट ले लेना। मैं तो पूरा सूट ही ला। बू हलीमा मगर मकबरे बगीचा ज़्यादा बू हलीमा के बारे में नहीं जानकी कि रास्ते का अगरबत्त कतलदार है। टाइगर के उसे कभी देखे जाते ये है बू हलीमा का, पता नहीं क्या ये मकबरा है शायद या गेट अंदर जाने का एंट्रेंस। पसीना भी आना शुरू हो गया, जब हवा चलती है तो बहुत अच्छी चलती है लेकिन फिर पसीना आ जाता है। गाइस आज मेरी शर्ट का कलर अच्छा लग रहा है। हाँ हम अली से तो मतलब मुझे खुद लग रहा है वीडियो देखते हुए कि क्या मैंने मेरी शर्ट का कलर मतलब मुझ पे अच्छा लग रहा है पहली बार कोई कलर। एंट्रेंस हमारी टोम की, हम चलते हैं अंदर। कब पहले आए थे हम देखो खुदाई के दौरान हम दो को देखने दो, हम तो नहीं तुम देखा ना। पूरा बनाया हुआ है किस तरह क्या क्या है ये माइटी टॉम है पूरा माइटी टॉम। और ये देखिए थोड़ा पास से देखिए किस कदर खूबसूरत है, कुछ कुछ ताजमहल जैसा। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए अब हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे ऊपर, ऊपर भी आपको दिख रहा है वो लोग खड़े हुए। यहाँ से हम एंटर करेंगे इसके ऊपर से जाके और ये पूरा इसका ऐसे व्यू है और सूरज साहब भी चमकना शुरू हो गए, कभी छुप रहे हैं कभी आ रहे हैं। ये देखो कैसे खड़ी चढ़ाई है एकदम सीढ़िया एकदम स्टेयर्स। चलो बाबा पकड़ के चढ़ना। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हो गई हालत खराब। यहाँ की पता चला कितनी तेज हवा चल रही है ना उसी। अलीजा हमें ढूंढ रही है, मम्मी फारूक दूर रह गए थे। ये आ गए सारे। ये आ गए हम वहीं पे। कुछ भी नहीं है पत्थर के पास जाके देख लो तो असल कब्र तो नीचे है। हाँ, खुशबू देख रहे हैं आप। आरिस का अब आरिस का दिल लग गया नहीं। नली हमने देख लिया है हुमायूं का मकबरा जो बच्चों को दिखाना था हमजा और अलीजा को क्या है। तो बस अब फाइनली हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, अब हमें इतना नीचे भी जाना है। देखिए माँ के लिए एक टास्क है बेचारी, इतनी सीढ़ियाँ उतरना थक गई है। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। और ये है देखिए बाहर से पूरा मम्मी बैठ गई है थक कर। तो बस यहाँ बैठ गए थक के, मुझे तो कुछ सांस फूल जाता है ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ के मोटापे की वजह से। तो फाइनली आ गए हम लोग नीचे
स्टेयर्स उधर है। अरे नॉट दिस वन अलीजा, तुम देखे दोनों सो जरा उसके पैर। ये बस बस पीछे से, ये गुड जॉब। वाह यार कितना मतलब कितना अच्छी तरह बनाते थे खूबसूरती से। मिल गया चलो 1 2 3 ये। तो फ्रेंड्स किस कदम मोर बोलने की आवाज़ आ रही है आपको सुनाई दे रही है आवाज़, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। मोर बोल रहे हैं, पीछे कहीं मोर होंगे। बस अब हम हमारी टोम को कर देते हैं बाय बाय। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे, इसके सामने है बिल्कुल सुंदर नर्सरी, तो अब जाके बैठते हैं सुंदर नर्सरी में थोड़ी देर। जिंदगी का ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार में मुझसे गलती होती है किसी भी चीज में, फिर उसके बाद चार चार मिलता हूँ ऑप्शन में, चार चार। क्या ही चल रहा है लीजा का। ये देखो वाह, एक मिनट चलो अब देखो सीधा करके, क्रिएटिव दिमाग चला इनका, क्रिएटिव माइंड। देखो क्या चल रहा है नानी के साथ लीजा का। फ्रेंड्स 7 बज चुके हैं, हम आ गए अपनी फेवरेट जगह सुंदर नर्सरी। मौसम थोड़ा, हवा भी कम हो गई है यहाँ पे, अब थोड़ा सा उमस सी हो रही है, गर्मी भी लग रही है हल्की सी, लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल जाती है, एक झोंका आ जाता है ठंडा सा, तो इस वाली गर्मी लग रही है मुझे। तो पहले वॉशरूम में जाके मुँह धो लेते हैं और कुछ ठंडा ठंडा पी लेते हैं। पानी लिया हमने हमारी टोम से निकल के, लेकिन पानी भी इतना गर्म ठंडा नहीं रहा। तो चलते हैं आगे आगे, वो है ना उधर साइड पे। और हम सब अपने बॉल लेके आ है भाई साहब। ब्यूटीफुल, और चाय बना रहे हूँ, चाय चलेगा, और पॉपकॉर्न, एक पॉपकॉर्न भी कर दीजिए। लोगों की यहाँ भी हमें देख रही है, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही है, सारा भी देखिए आज। ये देखो हिना, तुम भी हेलो बोलो, सबको नजर आओगी वीडियो। मतलब इन्होंने सुंदर नर्सरी में भी वीडियो कॉल पे हमसे बात कर रहा है, यहाँ पे भी हम बिल्कुल भी ब्लॉग में से कटना नहीं चाहते हैं। पी रही है चाय, आरिज हो गए फ्री, अब कपड़े वपड़े चेंज करके दोनों खेल रहे हैं, हमजा एंड आरिज। फारूक भाई तो खाने पीने के प्रोग्राम से आए थे काफ़ी, ये लाए नमकीन बिस्किट, मम्मी चाय पी रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, गर्मी लग रही है, बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, हमदा को कुछ नहीं चाहिए, हमदा एंड आरिज बॉल से खेल रहे हैं। आरिज थक गए, अब आके मम्मी की गोद में बैठ गए अपना फ़ोन लेके। क्या देख रहे हो आरिज, आरिज क्या देख रहे हो? और ये फारूक और ये सब लोग खेल रहे हैं गेम, हमजा एंड फारूक। फ्रेंड मम्मी और मैं तो चादर बिछा के लेट गए, हम जा रहे हैं वापस सुंदर नर्सरी भी घूम लिए, थोड़ी देर लेट भी गए, हवा में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस अब हम बैठ रहे हैं कार में, अब देखते हैं खाना खाने का क्या प्लान बनता है, कहाँ जाते हैं डिनर करने, तो बैठते हैं अभी। तो फ्रेंड्स आ गए हम कम्युनिटी सेंटर हल्दीराम पे, फाइनल सबको यही मिला कि वहीं हल्दीराम पर जाते हैं, मंथली भी है, मंथली वाले लगा देते हैं। तो सबने यही डिसाइड किया, सब अलग अलग अपनी फरमाइश बता रहे थे ये खाना है वो खाना है, तो फाइनली आ गए हम हल्दीराम पे खाना खाने। हारिस सो गए, मम्मी का ऑर्डर रेडी हो चुका है, मटर। अलीजा ने आज कर किया है पाव भाजी, ये
आ गए हमारी दाल के लिए अलग से प्लेट लाया हूँ दाल मखनी ये मैं और तुम शेयर करेंगे दाल राइस तुम खा लो और रोटी इतनी सारी अरे रात दिख ही रही है अभी खाई जाएंगी ठीक है जितने मिले तो मैं दाल निकाल ली सब प्लेट में राज कचौरी प्लेट आपको भी दही पुचका अम्मा आप खा लीजिए जो आपका ये तुम्हारा पर्स है तो ये आरिस साहब आरिस सो गए आरिस तो बहुत गहरी नहीं और जगह भी मिल गई उसको इसी के नीचे आरिस तो मस्त सो रहे हैं हम दादा आ गए दाल मखनी एंड चावल नो 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 बेटो आप इसमें निकालो प्लेट में लो अब खाओ खा लो भाई अब तो खा सकती हो समझिए और ये देखो मम्मी को भूख लग रही थी मम्मी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी भूख से है मम्मी बिल्कुल भी नहीं और फारूक को भी लग रही थी किसी ने मुझे नहीं पूछा मैं बैठी तक नहीं हूँ अभी खाने सब खा रहे हैं तुम्हें वीडियो बनानी बनाओ फ्रेंड्स मेरा खाना तो बस यही है आज दही पुचका और राज कचौरी क्या हो गया खुल नहीं रही है तो फ्रेंड्स हो गया खाना पीना सब हमारा और कोल्ड ड्रिंक बात पीनी नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं मुझे नहीं हमें तो पीनी है मजा ही नहीं आता कोल्ड ड्रिंक नहीं जाएगी पेट में तो बस अब हो गया हमारा खाना पीना और मेरे सब में दर्द हो गया ठंडा ऐसे चल रहा है फूल उठा उठा के बहुत बढ़िया बना है कवर और टाइम आलू मसाला भी ले लिया हमने हमदा भी लटक गए चॉइस की शॉप पे छोटे 9:30 हो चुके हैं फाइनली हमारे सब काम हो गए और बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ये फारूक उधर आ रहे हैं आप आगे आइए बस हम निकलते हैं यहाँ से ये अलीदा को शौक लग रहा है फूल लेने का आज उन्होंने फ्लावर्स ले लिए रोज हैं इसकी माँ हमें शौक करती है पहले एक दे दो दो दे दो फिर शौक दे दो अरे मुझे लगा भाई और सूरज भी फारूक देखो सनफ्लावर देखो कितने बड़े बड़े हैं ये तो ऐसे लग रहे हैं डुप्लीकेट ओरिजिनल हाँ लेकिन ऐसे लग रहे हैं प्लास्टिक वाले इन्होंने ही ले लिया खूबसूरत सा उसने बना के भी तो इतने दिल से दिया भाई बुके वाह सबको ऐसे देता है तो इसका प्रोफेशन ही ये बेचारा तो हो गए हैं फ्रेंड्स 10:30 और हम आ गए अपने एरिया में घर पहुंच रहे हैं तो बस आज शाम से 4 बजे से जो भी किया वो सब आपके साथ शेयर किया आज आपको मैंने हुमायूं का मकबरा भी दिखा दिया तो बस अब जो है पहुँच रहे हैं घर आज भी मैं फारूक के साथ ही हूँ और इन्जॉय किया खूब मस्ती की हवा बहुत अच्छी चल रही थी बाद में ठंडी ठंडी हवा मम्मी का तो मन था कि भाई सो जाऊँ तो खैर घर पहुँच गए तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अलीदा ने हाफ ला के अपने फ्लावर्स रोजेज सेट कर दिए खूबसूरत लग रहे हैं खूबसूरत